स्वागत है दोस्तों। तो इस वक्त राजनंदगांव से एक बड़ी घटना सामने आई है। भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हुई, सीधे ट्रक से जाकर भिड़ी, दो लोगों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है। बताया गया कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सीधे ट्रक से जाकर भिड़ गई, जिससे बाइक सवार युवक का शव बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा बसंतपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक बुंदेलीकला में रहने वाला जनक साहू अपने रिश्तेदार चेतन साहू के साथ बाइक से मोहारा की दिशा में जा रहा थे। इसी बीच सुबह 10 बजे शहर के नंदाई चौक के पास दोनों पहुंचे ही थे कि उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और विपरीत दिशा से आ रही ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि चेतन की मौके पर ही मौत हो गई, उसका शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं जनक साहू भी बुरी तरह घायल हुआ। इधर हादसे के तुरंत बाद ही जनक साहू को पास के अस्पताल ले जाया गया। पता चला कि जनक के शरीर से भी काफी खून बह गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान जनक की भी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ भी लगी गई थी, ट्रक सवार को भी भागने का मौका नहीं मिला। लोगों ने ही बसंतपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। खबर लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा दोनों के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।